आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिन्हें मेरा चैनल अच्छा लगता है, ये रेड बटन है, इसको आप क्लिक कीजिए और इसके साथ ही एक बेल आइकन आ जाएगा सब्सक्राइब करते ही, और ऑल पे क्लिक कर दीजिए तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। और आपको बहुत बहुत बधाई हो जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को। असेंबली सेट करके उसको फेवी बॉन्ड वगैरह से करके सेट कर दिया, तो मतलब अब दोबारा निकलने का चांस है क्या? दोबारा नहीं निकले, पर बस ये ध्यान में रखना कि ज़्यादा जबरदस्ती जोर लगाने से सेल ना दबाव नहीं, नॉर्मल तरीके से डालना है। काफी हद तक कोशिश रहती है जो ठीक होने लायक है। तो चाइनीज माल का लोग यही बोलते हैं ये नहीं होने वाला ठीक, बस खराब। देखो मेरे पास जो थोड़ा बहुत नॉलेज है वो मैं कर देता हूँ, असेंबली की जो हाँ वो नहीं, उसकी असेंबली नहीं मिलती है, उसकी जो असेंबली प्लेट होती है ना वो नहीं मिलती, बाकी जो नॉर्मली जो टॉय होते हैं वो मैं रिपेयर कर लेता हूँ। अच्छा आप भी रखते हो क्या टॉयज? मैं उनकी रिपेयरिंग करता हूँ, उनकी ना जो रिपेयरिंग होती है पहले मैं कर लेता था, फिर मैं जाना आना हो नहीं पाता। एक एक कॉपी डिब्बे खुल लेते हैं। सो गाइस मैं मार्केट में गई हूँ कुछ काम करवाने के लिए, यूका टॉय टिक कराने के लिए, और यहाँ पर चल रही है जन्माष्टमी की शॉपिंग लोगों की। और फिर मेरे को एक फोटोकॉपी भी करानी थी, मम्मी की प्रिंट आउट निकलवाना था। और अब ये मैं युग को तैयार कर रही हूँ, जो पहले जो मार्केट की है वो थर्सडे शाम की वीडियो है, और ये है फ्राइडे मॉर्निंग की वीडियो जिसमें कि मैं युग को तैयार कर रही हूँ। और युग जो है बड़ी मस्ती करता है, उसके नेल्स भी थोड़े बड़े हो गए थे, वो भी मैं कट कर रही हूँ। और इतने में ही थोड़ी देर बाद एक चूड़ी वाला आ जाता है गली में, तो मम्मी बोल रही थी कि मुझे दिलानी थी मम्मी को मार्केट से, तो मम्मी ने सोचा ये गली में आया है, अच्छे अच्छे थे उसके पास, मेटल के थे, तो मैंने मेटल के लिए, आप देखना थोड़ी देर में, बड़े अच्छे अच्छे थे उसके पास, तो मैं आपको दिखाऊंगी, देखना। कभी कभी गाइस गलियों में भी अच्छा सामान मिल जाता है लोगों से, तो ज़रूरी नहीं है शॉप पर से ही सब चीज़ें अच्छी मिले। तो ये गली में भी बेचारे अपना मतलब नौकरी ही कर रहे हैं एक तरह की, पेट पालने के लिए, तो इनसे मैंने ले लिया, थोड़ी बेचारों की कमाई हो जाती है तो क्या बुराई, और अच्छी चीज़ थी। और गाइस इतनी उसने सस्ती दी है ना, मतलब उसने दो सेट के मेरे को एक सेट बना के दिया उसने कड़ों का, और सिर्फ 40 रुपये में दे दिया उसने, तो क्या बुराई इसमें। हमारी और हमारी बैक साइड की गली भी जो है ना बन रही है, तो इसलिए वहीं पर वो दिखा रहा है, तो आप को लगेगा पता नहीं कैसे पत्थर वत्थर टूटे हुए हैं। और दिखाना कौन सा? मैरून, इससे ही मैच हो रहा है कलर में, कलर मैरून देखो ना भैया, यही सही है। गाइस बहुत अलग अलग डिज़ाइन थे, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे, मेटल में भी और नग वाले में भी। मेरे को नग वाले नहीं चाहिए थे क्योंकि निकल जाते हैं नग ना, फिर बेकार हो जाते हैं कड़े, तो मुझे सिंपल से या तो कांच के चाहिए थे या मेटल के चाहिए थे, और इसके पास मेटल के बहुत सुंदर सुंदर थे, मल्टी कलर्स में थे,
तो मैंने अभी जो रेड कलर के हैं ये वाले लिए हैं, और ये दो सेट है अलग अलग, चार चूड़ी का एक सेट है, तो ये मैंने 8 चूड़ी उससे बनवा ली है, मतलब कड़े, और बहुत अच्छे लगे मुझे, तो मैंने तो यही ले लिए। तो कई बार गली में भी इन बेचारों से अच्छा सामान मिल जाता है, और बेचारे ऐसा भी नहीं है कि बहुत महंगे देते हैं, तो इनसे क्यों ना ले हम, दुकानों पे तो सब जाते हैं बेचारे, इनको भी तो कोई लेना चाहिए ना, इनसे भी किसी को लेना चाहिए ना सामान, तो मैं लेती हूँ इनसे। घर जा रहे हैं, और घर जाने का वैसे तो मन तो करता ही है, पर यहाँ से छोड़ के जाने का भी मन नहीं करता। तो जो लड़कियाँ मायके आई हैं और वो समझ सकती हैं अच्छे से कि कैसा फील होता है अपने मायके से जाने का, अपनी मम्मी को, भैया को, भाभी को, सबको छोड़ के जाने का, एक वही सारी मेमोरी आ जाती है जब शादी करके गए थे अब। तो बच्चे युग से मिलकर गए हैं, सुबह वो स्कूल गए थे तो युग से मिलकर गए हैं, वो युग सो रहा था, मुझसे मिलकर गए हैं। तो चलिए बाय बाय गाइस। इसमें नहीं, बड़ी वाली में जाएंगे, अच्छी वाली में। वो सातवां डॉक्टर हमारी जो बस है वो मिल गई थी हमें फरीदाबाद के लिए, मतलब नेहरू प्लेस के लिए। हमें डायरेक्ट हम बस में वहाँ तक नहीं गए, फरीदाबाद तक मेट्रो में गए थे, क्योंकि युग भी साथ था तो मेट्रो से जाना सही रहता है। तो ये देखिए सामने मेट्रो जा रही है, ये है नेहरू प्लेस की मेट्रो। इसके बाद ही हमारा आने वाला था नेहरू प्लेस का स्टॉप, तो फिर नेहरू प्लेस पर उतर कर फिर हमने मेट्रो ली थी। कैसे ली थी मैं दिखाऊँगी आपको, और ये बस में का वीडियो है जो मैं बनाया हुआ है मैंने। युग फर्स्ट टाइम शायद बस में बैठा है तो मस्ती कर रहा है, वरना हमेशा गाड़ी में या फिर ऐसे ही मेट्रो में ही बैठा है, बस में तो फर्स्ट टाइम बैठा है। और ये मेट्रो पर आ गए हम, मेट्रो पर आजकल मशीन लग गई है टोकन लेने के लिए, तो इसमें पैसे इंसर्ट करने पड़ते हैं। और तो मम्मी तो निकल गई थी, मम्मी को मैं बता रही थी कि ऐसे ऐसे लगाओ आप निकल जाओगे, इस पे लगाओ। तो पहले भी मम्मी गई हैं, बट रोज़ का नहीं है ना मम्मी का, तो थोड़ा मम्मा को मैं बता रही थी ऐसे टेढ़ा करो, ठीक से लगाओ फिर निकलेंगे। तो फिर मेरा वाला जो है ना चल नहीं रहा था टोकन, तो फिर मैं कस्टमर केयर पर गई और कस्टमर केयर पर मैंने उनको दिखाया। It's all about what we do, making art, you and me, trying to find something to believe, because I'm running wild, I ain't running free, still got a lot of shit left to see, I'm stuck in this town, the town's stuck in me, always trying to find another reason to leave, but we sit at home, all alone, hoping one day I'll never be known, cause I'm stuck on the path, trying to feel on top. And everything will just come to a stop. Cause we're trying to
Me and her, what a concept. Gotta stay alive, yeah, that's the mindset. Caffeine morning, vodka nights. Gotta be awake, gotta live this life. Hoping there's more, no one is less. We gotta keep going and hoping the best. Walking the streets, just you and me. Trying to fill the void, trying not to bleed. Sometimes life just moves too slow. We gotta find a reason to push it and go. We're trying our best to be a success. We're living our life trying to clean up the mess. Cause I'm stuck in this route, day in, day out. Thoughts come in, but nothing comes out. Still trying to feel on top. Wishing all the shit would just come to a stop. सो गाइज, अब मैं घर पे पहुंच के उसके बाद मैं मम्मी को छोड़ कर आ गई हूँ. मम्मी चली गई हैं वापस. और मम्मी को छोड़ कर आने के बाद ये बारिश हो गई थी वहाँ पर. मतलब मम्मी जब घर पे ही थी तब बहुत बारिश हो गई थी, पानी भर गया था, तो तब मैंने वीडियो नहीं बनाई. अब मैं मम्मी को छोड़ कर वापस आ रही हूँ तो मैं वीडियो बना रही हूँ. तो देखिए कितना पानी भर गया. और युग को मैंने, जो हमारे लैंडलॉर्ड है, उनके पास छोड़ दिया था और मैं मम्मी को छोड़ने चली गई थी. तो देखिए कितना पानी भरा हुआ है. मैं आपको दिखाती हूँ और फिर आपसे बात करती हूँ. और मेट्रो से उतरने के बाद हम ऑटो से गए थे, ऑटो से घर पहुँचे थे और वो मैं नहीं कैप्चर कर पाई. और देखिए गाइस पानी कितना भरा हुआ है. घर जाके मेरे को पैर धोए मैंने और देखिए इतना पानी में से आई हूँ मैं साइड साइड से कैसे ना कैसे. तो बारिश से इतना पानी जो है रुक जाता है. बड़ी दिक्कत है ये. यहाँ पर बहुत जगह है. हाय एवरीवन, कैसे हो? और ये जगह देखकर आप समझ गए होंगे मैं कहाँ पर हूँ. तो वैसे भी मैंने आपको दिखाया तो मैं आ चुकी हूँ घर पर. और ये मैं आज मॉर्निंग में ही बना रही हूँ. कल का जो था वो मैंने आपको दिखाया, तो ये मैं आज मॉर्निंग में बना रही हूँ. और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और हस्बैंड सो रहे हैं, युग सो रहे हैं. और कल मैं आई थी अपनी मम्मी के साथ क्योंकि कल ये ऑफिस थे और आज भी इनको कुछ काम है तो ये नहीं आ पाए. ना ही इस बार छोड़ने गए और ना ही इस बार लेने गए. तो कोई बात नहीं, मेरी मम्मी आ गई थी फिर मुझे छोड़ने के लिए क्योंकि सामान ज़्यादा था. भैया ने आना था, फिर कल फंक्शन था ना जन्माष्टमी का, तो भैया फिर नहीं आ पा रहे थे. भैया कह रहे थे कि मैं मतलब सैटरडे या संडे में, तो मैंने कहा नहीं सैटरडे संडे नहीं, कोई बात नहीं मम्मी चली जाएंगी, फ्राइडे को चली जाती हूँ. तो फिर मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर. अब आपको जो मेरे ब्लॉग्स मिलेंगे वो ससुराल के मिलेंगे, मतलब मेरे यहाँ के मिलेंगे फरीदाबाद से. पहले आपको मेरे मायके ब्लॉग्स मिल रहे थे. जो नए लोग जुड़े हैं वो, जो मेरे मायके से नए लोग जुड़े हैं मुझसे कनेक्ट हुए हैं, तो अब आपको मेरे यहाँ के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे. तो कैसे लगा आपको बताना कि जो मैं बस में आई थी, मेट्रो में आई थी मम्मी के साथ, क्योंकि जनकपुरी में हमारे घर के जस्ट सामने या बिल्कुल पास नहीं है मेट्रो, थोड़ी सी दूर है. मतलब जैसे जनकपुरी से डाबड़ी, जो जानते होंगे जनकपुरी से डाबड़ी मेट्रो स्टेशन नया बना है, पहले उत्तम नगर था, तो वहाँ से मिलता है. मतलब ज़्यादा मतलब 2-3 किलोमीटर दूर है हमारे घर से मेट्रो स्टेशन. तो बस फिर हम पहले बस से गए, फिर हम मेट्रो से गए. तो चलिए फिर गाय जा रही है. तो चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.